नए वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल साधक परिवार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। लगातार हम हमारी चैनल के द्वारा आपको दिखा रहे हैं कि कोरोना वायरस की महामारी के बीच लॉकडाउन में फंसे जो गरीब लोग हैं, जो गरीब मजदूर हैं, उनकी सेवा के लिए आगे आ रहे हैं संत आसाराम जी बापू के भक्त। तो उसी उपलक्ष में संत श्री आसाराम जी बापू साधक परिवार जामनगर के द्वारा 460 परिवारों को राशन बांटा गया। उसके पहले भी 15 दिन पहले भी 400 परिवारों को उन लोगों ने राशन बांटा था। कुल मिला के 860 परिवारों को संत आसाराम जी बापू साधक परिवार जामनगर के द्वारा राशन बांटा गया। तो हमारे साथ बात करने के लिए फोन लाइन पे जामनगर से संत आसाराम जी बापू साधक परिवार की ओर से किशन भाई। किशन भाई, हमने सुना फिर से आप लोगों ने, मतलब जो जरूरतमंद लोग हैं, जो लॉकडाउन में फंसे हैं, उनको जीवन उपयोगी चीज वस्तुओं का राशन का आप लोगों ने वितरण किया। हाँ, अभी हमने ना हर अमावस को हम लोग सीरा 100 किलो और 100 किलो 20 किलो पुलाव बनाते हैं अमावस के दिन। इसकी जगह पे हम लोग ने 460 किट बनाया था जी, तो 400 किट हमने GIDC में वितरण किया था जी जी। और दूसरा क्या है कि उधर सब फैक्ट्रियां सब बंद है लॉकडाउन के हिसाब से जी जी। हाँ, तो वो लोग को राशन बांटने के लिए तकलीफ है। और गवर्नमेंट का जो है, प्रशासन का जो आता है, वो तो सिर्फ शाम को 5 बजे आता है। वो लोग सुबह में क्या खा सकते हैं, सुबह में नाश्ता के कुछ, दोपहर में भोजन जी। तो इसके लिए हम लोग को प्रेरणा मिली गुरु जी की कृपा से जी जी। तो हमने पूरा राशन का किट बना के वापस रिटर्न किया। ये सब बापू कर रहे हैं, अपन क्या, अपने ताकत नहीं है, सब बापू प्रेरणा देते हैं। बापू लोगों को लगता है बापू जेल में है, लेकिन हमारे लिए बापू बाहर ही है, कोई जेल में नहीं है। सब जगह पे सेवा चल रही है, सब सेवा हो रही है। आपने जामनगर GIDC की बात की, तो वहाँ इंडस्ट्री एरिया ज्यादा है, मतलब बाहर से आए हुए मजदूर वहाँ ज्यादा है। हाँ, बाहर से GIDC बाहर से मजदूर ज्यादा है, गोधरा दाऊद और UP के भी है थोड़े बहुत, ऐसे सब मिक्स करके उधर है जी। तो झोपड़े में जाके एक एक झोपड़े में अंदर जाके किट दे के आए, तो सबको ऐसा मिलना चाहिए जी जी। मतलब कितनी किट बांटी, मतलब टोटल हमने टोटल 460 किट बांटे। अच्छा, 460 जी जी। उसमें से 400 किट बांटी हम लोग ने GIDC में जी जी। और 60 लोग है ना जामनगर सिटी में दिया है उसको, है ना, जो मीडियम वर्ग से लोग हैं जी जी। साधक परिवार सब लोग फोन करते थे, मेरे बाजू में कोई 2-4 है, कोई बोलते 5 है, कोई बोलते 2 है, ऐसे ऐसे जो मीडियम रेंज के गुरु जी बोलते हैं कि अपने आप देख लेने का सेवा, कैसे किधर तकलीफ है तो उधर पहुंचा देने का जी जी। तो बापू को सब साधकों को मालूम है, तो बापू की कृपा से सब इधर भी 60 किट किए हैं जी जी। इसके आगे भी आप लोगों ने 400 किटों का वितरण किया था जी। उसके आगे एक 15 दिन पहले भी किया था 400 वितरण कर किट कर जी। अगर और किसी को जरूरत हो जामनगर शहर में तो फोन आता है, तो क्या समिति सक्षम है क्या सेवा करने के? हाँ, हम लोग जरूर सेवा करेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी भी अभी ये हो गया तो अपना पूरा गुरु की कृपा से जरूर होएगा काम, और जरूर करेंगे हम लोग। और आगे भी अगर समझे लॉकडाउन हुआ तो कुछ ना कुछ गुरु जी रास्ता निकालेंगे और जरूर बांटेंगे हम लोग, और बनाएंगे ऐसा कुछ। मतलब न करे भगवान, और 3 तारीख के आगे लॉकडाउन जाता है तो भी समिति सक्षम है गरीबों की सेवा करने के लिए। हाँ, जरूर जरूर करेंगे, और गुरु की कृपा से बापू की प्रेरणा से जरूर होगी सेवा, और बापू ही करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, वो बापू ही करते हैं। मतलब टोटल 860 किटों का वितरण हुआ अभी तक। हाँ, 860 का वितरण। और जामनगर के अंदर पटेल रेस्टोरेंट की बात करें तो अभी भी वहाँ पे, मतलब जो 1200 लोगों को भोजन कराया जा रहा है वो जारी है निरंतर। हाँ, वहाँ पे वो टिफिन है ना, टिफिन में एक एक आता है परिवार, उसको 4-4 आदमी, 3-3 आदमी, 5-5 आदमी का एक टिफिन में भोजन भर के देते हैं जी जी। मतलब बापू जी की प्रेरणा से अभी भी वहाँ सेवा शुरू है। ये थे किशन भाई। किशन भाई ने बताया कि जामनगर के GIDC विस्तार में उन्होंने 400 ऐसे परिवार, जो गरीब परिवार थे, उनको राशन की किट बना के वितरित किया। और 60 परिवार ऐसे थे जो जामनगर शहर के अंदर पड़ते हैं, जो 60 परिवार ऐसे थे जो उनको ज़रूरत थी राशन की, तो उनको भी उन लोगों ने राशन की किट बना के वितरित किया। उन्होंने बताया कि आगे भी अगर लॉकडाउन आगे बढ़ता है या किसी को ज़रूरत पड़ती है तो संत आसाराम जी बापू साधक परिवार आगे आएगा उनकी सेवा के लिए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए।